टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का अभियान अब राइट ट्रैक पर बढ़ता दिख रहा है। कुछ कमजोरियों के बावजूद टीम ने अब तक ग्रुप स्टेज में आयरलैंड, पाकिस्तान और अमेरिका को हराने के बाद सुपर एट में एक रोज पहले अफगानिस्तान को भी आसानी से मात दे दी। अब सुपर एट में भारतीय टीम का मुकाबला अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ है। टीम इंडिया का लक्ष्य इस मैच को भी जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करना होगा। हालांकि भारत के खिलाफ इस प्रतिद्वंदी ने पिछले रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा टीम इंडिया को बांग्लादेश से। रोहित एंड कंपनी को थोड़ा सा डरना चाहिए क्योंकि जो पुराने इनकाउंटर्स हुए हैं इन दोनों टीमों के बीच वो लास्ट तक गए हैं। इनफैक्ट आप कह सकते हैं नेल बाइटिंग फिनिश भी देखने को मिली है। भारतीय टीम के लिए चिंता का सबब फिलहाल कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली के दिग्गज ओपनिंग जोड़ी है। रोहित शर्मा ने 4 मैच में 25.33 की औसत से 76 रन बनाए हैं जिसमें उनकी 150 शामिल है, जबकि विराट का तो और बुरा हाल है। अब तक वो ज्यादा आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। 4 मुकाबलों में केवल 7.25 के खराब औसत से 29 रन जुटा पाए हैं। उनका हाईएस्ट स्कोर इस दौरान 24 रन का रहा है। इनके खराब प्रदर्शन के कारण मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों पर प्रेशर बढ़ रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव अच्छी टच में नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट हार्दिक पंड्या के बल्ले से भी संकट के समय में कुछ रन जरूर निकले हैं, लेकिन चिंता यह है कि टूर्नामेंट में आगे बड़े मैचों में इन दिग्गजों के प्रदर्शन से कहीं टीम इंडिया बैकफुट पर ना आ जाए, टीम इंडिया को खामियाजा ना भुगतना पड़े इनके खराब परफॉर्मेंस की वजह से। सर विविन रिचर्ड्स स्टेडियम की पिच की बात कर ले तो ये गेंदबाजों को रास आएगी। यहां सीम बॉलर्स और स्पिनर्स दोनों को मदद मिलेगी। मौजूदा टूर्नामेंट में यहां अब तक खेले गए 5 मैचों में 3 में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम जीती है। यहां पहली इनिंग्स का एवरेज स्कोर 117 रन है। टॉस की भूमिका बेहद अहम होगी और इस बात से आपको अंदाजा लग जाएगा एवरेज स्कोर देखकर 117 की गेंदबाजों को यहां पर कितनी मदद मिलेगी। नॉर्थ साउंड में मैच के दिन बादल छाए रहेंगे। मैच के दौरान बारिश की भी 20% आसार हैं। तापमान करीब 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बारिश की संभावना बहुत नहीं है, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप 2024 में कई अहम मुकाबले बारिश की बलि चढ़ते नजर आए हैं। अगर ये मैच बारिश में धुलता है तो भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए हर हाल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने आखिरी मैच में जीत दर्ज करनी होगी। और शायद ये भी हो कि अगर ये मुकाबला रद्द हो जाता है तो बांग्लादेश की टीम भी शायद टूर्नामेंट से बाहर हो जाए। अब चलिए आपको मैच से पहले कुछ नंबर गेम भी बता देते हैं। सबसे पहले बात जसप्रीत बुमराह की। जसप्रीत बुमराह 3.46 की इकोनॉमी रेट से इस टूर्नामेंट में 4 मैचों में उन्होंने गेंदबाजी की है। अब तक 6.5 के औसत से उन्होंने 8 विकेट इस टूर्नामेंट में लिए हैं। इसके बाद बात करेंगे कप्तान रोहित शर्मा की। कप्तान साहब 6-6 दूर हैं टी20 इंटरनेशनल मैचों में अपने 200 छक्के पूरे करने से। रोहित ने इस फॉर्मेट में 155 मैचों में 365 चौके लगाए हैं और छक्कों का 200 पूरा करने से वो 6 कदम दूर हैं और ये किसी भी एक अच्छी पारी में बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। उम्मीद करेंगे कि यही वो मुकाबला हो जहां रोहित 200 छक्कों का आंकड़ा पूरा कर लें। जाते जाते विराट कोहली की बात भी कर लेते हैं जो शायद इंडियन क्रिकेट फैंस को सुन के अच्छा लगेगा। विराट कोहली ने 96.50 की औसत से बांग्लादेश के खिलाफ 5 टी20 मैचों में 193 रन बनाए हैं। ये दोनों टीमों के बल्लेबाजों की अगर बात की जाए, कंपेयर किया जाए तो सबसे हाईएस्ट बैटिंग एवरेज है। ऐसे में देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि सुपर 8 के इस दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम क्या करती है, कैसा प्रदर्शन करती है। रोहित शर्मा, विराट कोहली किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं इस पर भी इंडियन क्रिकेट फैंस की नजरें लगातार बनी रहेंगी। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी स्पोर्ट्स की दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स 9। नमस्कार।